नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर अभी 20 रुपए 85 पैसे पर चल रहा है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजिशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो यह टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है और इसकी स्थापना 1986 को हुई थी, 35 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वे सुरेंद्र जीवराजका जी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं वो 20,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। और दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वे हैं होम टेक्सटाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स एंड पॉलिस्टर यार्न्स। और भी दोस्तों प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये बनाती है, कपड़ा उद्योग से रिलेटेड कंपनी है। और दोस्तों अपना ये 26% जो प्रोडक्ट्स है वो 90 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। कौन कौन से देश है मैं आपको बता देता हूँ। US हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये अपना 26% जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आलोक इंडस्ट्रीज कुछ समय पहले दिवालिया घोषित हो चुका है और इसने अपनी जो कंपनी को बैंकरप्सी के लिए फाइल किया हुआ था। तो दोस्तों बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में भाग लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इसके 40.01% की शेयर होल्डिंग और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड ने 34.99% की शेयर होल्डिंग के साथ इसको टेक ओवर किया है। दोनों मिलकर दोस्तों 75% की शेयर होल्डिंग इसमें रखते हैं। केवल 25% जो शेयर है वे ही दोस्तों मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां से दोस्तों इसका स्टॉक प्राइस काफी ऊपर जाने वाला है क्योंकि आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड में दोस्तों आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी भी इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, क्योंकि दोस्तों अब जो कंपनी की कमान है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी के हाथों में है। तो अब दोस्तों जो भी फैसले लिए जाएंगे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लेगी, जो भी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे दोस्तों वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किए जाएंगे। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों बजट में भी हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा टेक्सटाइल्स कंपनियों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी गई है। उन्होंने बोला है कि टेक्सटाइल्स कंपनियां अपना उत्पादन क्षमता बढ़ाएं और 7 मेगा टेक्सटाइल्स पार्क बनाए जाएंगे जिससे वर्ल्ड वाइड कंपटीशन को टक्कर दी जाए। तो दोस्तों अब आलोक इंडस्ट्रीज अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वे दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं। तो अभी दोस्तों ये 26% एक्सपोर्ट करती है, आने वाले समय में और भी अधिक मात्रा में ये दुनिया के ज्यादातर देशों में एक्सपोर्ट करेगी। तो इसको काफी मुनाफा होने वाला है यहाँ से। और अभी दोस्तों अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया था जो कि काफी अच्छा आया था और आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट भी काफी अच्छा आने की उम्मीद है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि 2008 में इसने जो हाई लगाया है वो 96.90 रुपए का था। यहाँ पे दोस्तों यहाँ इसका बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों 20 से 25 रुपए के बीच में यह स्टॉक घूम रहा है क्योंकि ऑपरेटर्स का जो स्टॉक है वो बाई कर रहा है। जैसे उसका कैपेसिटी फुल हो जाएगी वो अचानक से इसके स्टॉक को ऊपर ले जाएगा। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। और अभी डिलीवरीज भी दोस्तों 31 मार्च को 61% के करीब रही है जो कि काफी अच्छी रही है। लोग इसका माल उठा के घर ले जा रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए, इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 2 से 3 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 2 से 3 साल में यह स्टॉक 136 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।